तो दोस्तों आज की वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज हमारे पास हमारा एक दोस्त आने वाला है और वो दोस्त जो है वो पुलिस में नौकरी करता है लेकिन उसकी तनख्वाह थोड़ी कम है। और आज हम उसके मुंह से उससे बातचीत करेंगे कि वो कैसे अपना घर का गुजारा करता है, कैसे काम करता है। तो चलिए बुलाते हैं उसको और करते हैं उससे बात आज की वीडियो में, और वीडियो को एंड तक देखते रहना। चलिए बुलाते हैं। हेलो दोस्तों। हाय। हेलो, बैठो सर, बैठो। कैसे हो आप? बढ़िया। और सुनाइए। तो ये किसका बच्चा है? हमारा। क्या नाम है इसका? पीलो। पीलो, अरे वाह, ये तो आप कितने क्यूट क्यूट है। आपको एक ही बच्चा है? हाँ, नहीं, दो बच्चे हैं, एक घर पे छोड़ा है। अच्छा, और आपकी वाइफ क्या काम करती है? वो तो छोड़ के भाग गई। क्यों? क्योंकि हमने बोला था चाय बना के लाओ, इसलिए उन्हें बोला हाथ मारे पैर में क्या मेहंदी लग गया, खुद बना के ले गए। अच्छा, इसलिए उन्होंने बोला हमारा। फिर तुम्हारी झगड़ा हो गया? हाँ। फिर तुमने क्या कहा उसको? निकल हमारे घर से। अच्छा, तो फिर वो छोड़ के चली गई। हाँ। अब वो तुम्हारे पास नहीं आती? नहीं। तो इस बच्चे को खाना कौन खिलाता है? हम। और इसको सूसू पोटी कौन खिलाता है? हम। इसको स्कूल कौन भेजता है? हम। कौन से स्कूल में जाता है बेटे? कौन से स्कूल में जाता है? लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो देखो लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल में जाता है ये बच्चा। अच्छा, तो और तुम घर का गुजारा कैसे करते हो? खाना कौन बनाता है तुम्हारे घर का भाई? हमारे घर पे ना नौकर है, वो बनाता है। अच्छा, नौकर है इनके घर पे, तो वो खाना बनाता है और ये भी खाता है, ये भी खाता है। और ये सोता किसके पास है भी? हमारे पास। नौकर तो बहुत गंदा है ना। अच्छा, तो ये सोता है। और इसके कपड़े कौन बदलता है, इसको नुहाता कौन है भाई? हम नुहाते हैं, हम इसके कपड़े बदलते हैं। आज दोपहर को इसको ना एक कच्ची भी पहनाई थी। अच्छा अच्छा, और होमवर्क वगैरह कौन कराता होगा फिर इसका? हम बताते हैं। ये क्या है? ए से ये बोलता है एप्पल। बी से बोलता है बी बॉल। तो मतलब जो भी आप घर का काम करते हो, सारा घर का काम आपको करना होता है, और खाना बनाते हो तो खाना भी तो ये बनाता है, और इसको जो भी लैटरिन बाथरूम सुसु करता है, और सब ये नक्शु कराता है इसको। ये तो बड़ा ही क्यूट क्यूट और प्यारा बच्चा है। अच्छा, और इसकी पोटी कौन धोता है? हम धोते हैं। तुम धोते हो उसकी पोटी भी? तुम्हारा बच्चा तो क्यूट है, देखियो कितना क्यूट बच्चा है। और ये इनका बेटा है, ये भी सारा काम इसका ये करते हैं। इसकी घरवाली इसको छोड़ के भाग गई है, जब से सारा काम इस बच्चे की देख रेख सब ये करता है। बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और स्कूल वगैरह कौन भेजता है इसको? और सुनाओ तुम, चलो तो जो हो गया हो गया। तुम ऐसे करो, दूसरी शादी कर लो तुम। अब बच्चे की तो देखभाल करने के लिए माँ चाहिए ना, बिना माँ के तो फिर ऐसे गुजारना होता है ना बच्चे। आ जाएगी दूसरी शादी तो करो तुम। कोशिश करो, हम ढूंढते तुम्हारे लिए दूसरी। नहीं, हम ढूंढेंगे। अगर तुम करना चाहते हो तो बताओ। अगर देंगे तुम्हारे लिए, हम रिश्ता करवाते हैं, शादी करवाते हैं, हम करवा देंगे तुम्हारे साथ। करना चाहोगे? कोई बात नहीं, पैसा हम दे देंगे। पैसा ये दे देगा, मैं दे दूंगा, हम दोनों मिलाकर तुम्हारी शादी करा देंगे, जिससे तुम्हारा तुम्हारे बच्चे का गुजारा हो जाए, और तो इस बच्चे को मां मिल जाएगी, और इसको आगे चल के अपना काम खाना खुना बनाने में तुम्हें आसानी होगी। ठीक है, और बताओ तुम क्या काम करते हो? और मैं पुलिस हूं, मैं चोरों को पकड़ता हूं। चोरों को पकड़ते हो? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और उनको जेल में डालता हूं, उनसे पैसा लेता हूं। पैसा लेता? रिश्वत लेता? नहीं, चोरी करना गलत बात है, इसलिए पैसा दो। अच्छा, तो पैसा लेके तुम उसको छोड़ देते हो या नहीं, जेल में बंद कर देते हो? पैसा जो ले देगा वो जेल से बाहर। अच्छा, जो पैसा नहीं देगा वो तो जेल के अंदर। तुम तो बहुत गंदे हो। ये तुमने सुना इसका कहने का क्या मतलब है? ये एक पुलिस वाला है और चोरों को पकड़ता है, और जो चोर इसको पैसे दे देता है तो ये उसको छोड़ देता है। जो पैसे दे नहीं दे पाता वो उसको पकड़ के जेल में बंद कर देता है, और अंदर होता है, हम उसको खाना पूना भी खिलाते हैं। तो इससे आपको पता क्या पता लगता है कि जो ये है ना पुलिस वाला, नकली पुलिस वाला है ये रिश्वत लेता है, और रिश्वत लेने के बाद चोरों को छोड़ देता है। तो ऐसे पुलिस वालों की हमें जरूरत नहीं है। आप, हमने सुना, आपने बताया कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, आप सारे काम करते हो, लेकिन आप चोरी करते हो और चोर पैसे लेके चोरों को छोड़ देते हो, ये सबसे गलत बात है। इसके लिए आपको सजा मिलेगी। इसके लिए पूरे गांव वाले, गलत बात नहीं है। जो हमें पैसे मिलते हैं ना, उससे ना अपनी माँ का इलाज करवाते हैं। अच्छा,
फिर तो ठीक है भाई, इसने बोल ये बोल रहा है कि जो इसको इस बात के पैसे मिलते हैं उससे ये अपनी माँ का इलाज करवाता है। तुम्हारी माँ बीमार है? अच्छा, तो जो रिश्वत के पैसे तुम लेते हो, मतलब कि पैसे लेके चोरों को छोड़ देते हो, उससे तुम अपनी माँ का इलाज करवाते हो, अपने बच्चे की देखभाल करते हो, और तुम जो पुलिस में जितने पैसे बढ़ते उसका घर का राशन ले आते हो। अच्छा, घर का राशन ले आते, चलो फिर तो अच्छी बात है। देखो इसके पास पैसा नहीं है, इसके पैसे थोड़े कम मिलते हैं इसको नौकरी के, तो इसलिए थोड़ी रिश्वत रुश्वत लेके ये थोड़ा अपना घर का गुजारा करता है, राशन ले आता है, घर का बच्चे की देखभाल है, स्कूल की फीस है, अपनी माँ का ख्याल रखता है, अपनी माँ का इलाज करवा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि इसने अपनी मजबूरी बता दी है, और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि इसने अपनी मजबूरी बता दी और ये बेगुनाह पाया गया है। तो चलिए अब इसको माफ कर देते हैं, और हम मिलेंगे आपसे कल नई वीडियो के साथ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो ये नकली पुलिस वाला आपको कैसा लगा, और इस पुलिस वाले का ये छोटा सा बच्चा आपको कैसा लगा। और गाइस ये बताना कि वो जो लाल वाली घंटी होती है उसको ग्रे करते हैं ना। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय।